हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में और बात करूंगा स्पेसिफिकली दो कैटेगरीज के बारे में, यानी कि बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर। मुझे लिस्ट मैंने हाल ही में देखी थी और मैंने आज डिटेल लिस्ट जब देखी, चेक की, तो मुझे कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सही नहीं लगी। क्योंकि फिल्मों के हिसाब से अगर आप फिल्मों का नॉमिनेशन करते हो और फिल्म फेयर अवार्ड, आई थिंक सेकेंड बेस्ट अवार्ड कहूँगा इंडिया का, क्योंकि सबसे पहले जो अवार्ड आता है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड नेशनल अवार्ड आता है और वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और उस अवार्ड के बाद मैं किसी अवार्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ या इम्पोर्टेंस मानता हूँ, तो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। लेकिन हमेशा से ही देखा जा रहा है कई सालों से कि नॉमिनेशंस लिस्ट ऐसी बनाई बनाई जाती है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को भी इंक्लूड नहीं करते, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को भी इंक्लूड नहीं करते, और बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज सिनेमा जो है उस तरह की लिस्ट बनती है नॉमिनेशंस की, जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगते। इस साल भी सेम वही हुआ, लास्ट ईयर मसान जैसी फिल्म को कहीं इंक्लूड नहीं किया गया था, और इस साल भी अगर आप देखोगे तो फिल्मों की, अब मैं बात करता हूँ, वजीर फिल्म को इंक्लूड नहीं किया गया, इसके अलावा आई थिंक मदारी फिल्म को इंक्लूड नहीं किया गया, और कई और सारी फिल्में हैं। आई थिंक एयरलिफ्ट को भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो कुछ सारी फिल्में हैं जो इस साल बहुत अच्छी रही बट उनका नाम नहीं आया। शिवाय सबसे बड़ी फिल्म है, शिवाय का नाम नहीं आया तो समझ सकते हो आप क्या बोल सकते हैं। आप 100 करोड़ के ऊपर फिल्म बनाई, फिल्म ने कमाया था 120 करोड़ की फिल्म बनी थी, और कहीं ना कहीं एज ए डायरेक्टर के हिसाब से भी उनका नॉमिनेशन नहीं आया, एज ए फिल्म के हिसाब से भी शिवाय का नाम कहीं इंक्लूड नहीं आया, और बेस्ट एक्टर के लिए अजय देवगन का नाम भी शामिल नहीं किया गया। कोई एक लिस्ट में शामिल कर दे तो मुझे यकीन लगता कि चलो ठीक है, मेन स्ट्रीम मूवी की आप बात करो, चलो ठीक है, इंक्लूड कर लिया नाम, बट किसी लिस्ट में नाम इंक्लूड नहीं है। इससे यह पता चलता है कि ज़्यादा प्रायोरिटीज़ उन फिल्मों को दी जाती है जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की होती है, फिल्में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में होती है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, बट आई थिंक बाकी जो इंपॉर्टेंट फिल्में होती है उनको प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं दी जाती है। और सरबजीत मूवी एक ऐसी मूवी थी, वो उन्होंने उसमें उन्होंने मतलब वो भी बहुत बढ़िया मूवी थी, उसको भी कुछ ज़्यादा इंक्लूजन नहीं मिला है। तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो 2016 में जिसने आपका और हमारा दिल जीता, बट कहीं ना कहीं उसे इस नॉमिनेशन लिस्ट में भी इंक्लूड नहीं किया गया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, शिवाय का। तो आप कितने अपसेट हुए, आप कितने एक्साइटेड हुए, किस तरह का आपका एक रिस्पॉन्स है 2000 मतलब जो 17 के अभी नॉमिनेशंस का, और आज कहीं ना कहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स होने जा रहे हैं जो बहुत ही, आई थिंक इस मंथ के एंड में टीवी पर आएगा, बट आज कहीं ना कहीं नॉमिनेशंस के आई थिंक विनर्स भी मतलब पता चल जाएगी कौन कौन आखिर विनर्स है। आज 6 बजे से ये अवार्ड सेरेमनी है, आप इसे जियो पर देख सकते हैं, जियो आई थिंक जियो ऐप पर। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स भी काफ़ी हद तक चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दुख मुझे इस बात का है कि जो बड़ी फिल्में होती है या जो इम्पोर्टेंट फिल्में होती है जिस जो काफ़ी हद तक लोगों का माइंडसेट चेंज करती है, उन सब फिल्मों को अगर शामिल नहीं किया जाता या उन सभी एक्टर्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो देखते हैं किस तरह से चीज़ें सामने आती है, कौन कौन से एक्टर इस अवार्ड को ले जाते हैं। दंगल का नाम इंक्लूड किया वो तो हक बनता था, बहुत सही है हर तरह की चीज़ों में, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट में देखा जाए तो चीज़ों को सिरे से नकार दिया है। मदारी के लिए आप ले सकते थे नाम इरफान खान का, क्या एक्टिंग नहीं की है। एक फिल्म का नाम और बताता हूँ आपको, वो फिल्म को अगर अवार्ड नहीं दिया जाता तो और किसको दिया जाएगा, रमन राघव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार फिल्म है। आप बताइए कहाँ से वो फिल्म, कहीं से कम है क्या, बहुत बढ़िया फिल्म है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, जो आपने अगर देखी हो तो आपको पता होगा मैं किस बारे में किस तरह से बात कर रहा हूँ और मुझे दुख क्यों हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें सामने आप देख सकते हैं, आलिया भट्ट को इंक्लूड किया है, बिल्कुल हक बनता है एज एन एक्ट्रेस के हिसाब से, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सही नहीं लगी है। और अगर आप जो ज़्यादा नई नए डायरेक्टर्स हैं या उनकी फिल्में जो अच्छी है अगर उनको आप ध्यान नहीं देते तो फिल्म के इस अवार्ड का रखे मतलब क्या। ज़्यादातर अवार्ड इसलिए होने चाहिए जो नए जो फिल्म आ रही है उनको प्रोत्साहित करें, उन मेक फिल्म मेकर्स को प्रोत्साहित करें, जो नए नए आए हैं, जो नए नए एक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छी एक्टिंग की है उनको आप इस लिस्ट में शामिल कर तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो कई सालों से चलती आ रही, लेट्स सी कब किस तरह से चीज़ें चेंज होगी, बट कहीं ना कहीं मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस नॉमिनेशन लिस्ट से फिल्म फेयर की। जिस तरह से बाकी चीज़ें होंगी या इसके नॉमिनेशन के रिजल्ट आएंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट फिलहाल मैं इससे ज़रा भी खुश नहीं हूँ। आपके जो भी कमेंट हो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। चलिए तब तक के लिए,
बाय बाय।